दोस्तों आज मेरे पास एक नोकिया का सेट आया है जिसका डिस्प्ले इशू है। नोकिया 1200 मॉडल का सेट है तो ये डिस्प्ले 10 सेकंड के बाद ब्लैंक हो जाता है। ये देखिए दोस्तों ये डिस्प्ले ब्लैंक हो जाता है, तो इसका सलूशन क्या है, ये कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको आज इसको ठीक करके बताने वाला हूँ। और इसका ज़्यादातर प्रॉब्लम डिस्प्ले कनेक्टर के पास से होता है, तो फटाफट से मैं इसको खोल लेता हूँ। तो ये डिस्प्ले का पेपर है, तो डिस्प्ले का कनेक्टर तो सही है, आपको जस्ट एक काम करना पड़ेगा, ये दो जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं आप, ये ग्राफिक्स का रेजिस्टेंस है, यहाँ से ग्राफिक लाइन पास होता है। तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, ये जो पॉइंट में एक जंपर मार देना है, ये तो पॉइंट में एक जंपर मार देने से आपका ये इशू सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी होता है कि नोकिया 1600 मॉडल में 1202 1209 1208 और 1200 मॉडल में एक ही किस्म का बोर्ड रहता है, तो ये प्रॉब्लम अगर डिस्प्ले वाइट हो जाता है या फिर डिस्प्ले चले जाता है ऑन होकर, तो ये प्रोसेस अप्लाई करने से आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ इन दोनों के बीच में एक जंपर मार देता हूँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोनों को जंपर मार देना बीच में, इस तो जंपर मैंने मार दिया है यहाँ पे बीच में देखिए, ओके। तो इसको अब मैं चेक करता हूँ ये 100% सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। जब 10 सेकंड में यार इसका ग्राफिक्स चले जा रहा था वो प्रॉब्लम्स, ये 100% सॉल्व हो जाएगा, आप भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सॉल्व हो चुका है, ये 10 सेकंड 15 सेकंड हो चुका है यार, और फिर भी इसका ग्राफिक नहीं गया अभी तक, तो डिस्प्ले सही है अभी तक, ये जिंदा है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर ऐसा कोई मोबाइल आता है तो आप भी इसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे, और जिस तरह से मैंने किया है उस तरीके से इसका प्रोसेस भी अप्लाई करिएगा, ओके। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू।